अभी हम देख रहे हैं टाटा स्टील का चार्ट। तो टाटा स्टील में देखिए, टाटा स्टील में बहुत मल्टीपल पैटर्न्स बना हुआ है देखिए। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग इसको ये टॉप कंसीडर करें तो ये डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है, तो इसका नेकलाइन हो गया ठीक है। नेकलाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद देखिए नेकलाइन के आसपास से रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट में इसको क्या मिला, रिजेक्शन मिला। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो हम लोग का अच्छा खासा मोमेंटम कैच कर सकते हैं ठीक है। अगर और एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग कंसीडर जैसे ये है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और राइट शोल्डर ठीक है। ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बना है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसका नेकलाइन बन गया ठीक है। नेकलाइन के बाद देखिए यहाँ से इसको ब्रेकडाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इसको पुल बैक मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट करके अपसाइड जा रहा है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस रेंज की बात करें हम लोग ठीक है, तो इसके नीचे जब तक नहीं आता हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट भी यहाँ पे करते हैं तो टारगेट ये होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कर अगर ब्रेक डाउन आता है तो जो यहाँ पे शॉर्ट किए वो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो न्यू शॉर्ट यहाँ से मार सकते हैं ठीक है। अगर इसके ऊपर से अभी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देकर निकलना चाहता है मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग इजीली लॉन्ग साइड यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ठीक है। इजीली हम लोग लॉन्ग का मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे टाटा स्टील में ट्रेड करेंगे।